नैथन कुल्टर नाइल 75% का सिलेक्शन, बट इस मैच के लिए स्क्वाड में ही अवेलेबल नहीं है, तो मैच कैसे खेलेंगे? तो उनका जगह खेलेगा कौन? देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, सैम रेनबर्ड 2% का सिलेक्शन है, बट क्या आपको पता है कि प्रैक्टिस मैच में ये 3 विकेट चटका के आ रहे हैं। दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं बिग बैश की। होपफुली ये टूर्नामेंट हमारे लिए काफ़ी अच्छा जाएगा बाकी टूर्नामेंट्स की तरह। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ट्रंप प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट मैच है, सभी के नाम के पास ये 0 पॉइंट है। तो मार्कस टॉइनिस का सिलेक्शन 90% तो है, बट क्या ये बॉलिंग डालने वाले हैं? उसके साथ साथ बॉलिंग सेक्शन में टॉम करन, टीम के वन ऑफ द मेन ऑलराउंडर्स अब कह सकते हैं, जो कि बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं ज़रूरत पड़ने पर, क्यों इनका सिलेक्शन 9% है? क्या ये खेलने वाले हैं या नहीं खेलने वाले हैं? और अगर खेलने वाले हैं तो क्या हमको इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इस सब कुछ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ग्राउंड स्टैट्स से लेके हिट टू हिट में कौन से प्लेयर ज्यादा अच्छे करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये मैच खेला जाएगा दोपहर के 2:05 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। कहाँ पे खेला जाएगा? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे, जहाँ पे 43 T20 डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाला 19 बार जीता है और बैटिंग सेकंड करने वाला टीम 23 बार जीता है। तो क्लियर कट आप नहीं बोल सकते कि बैटिंग सेकंड को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है या फिर बैटिंग फर्स्ट को क्लियर कट विनर आप कह सकते हो। इवन स्टीवन कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा, बैटिंग फर्स्ट हो या फिर बैटिंग सेकंड। उससे पहले आप हमारे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये वाले वीडियो को अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक एरो वाला साइन आपको देखने को मिलेगा, उस साइन पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आएंगे, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा लिंक से ही ज्वाइन होने का, क्योंकि सर्च करने जाएंगे तो हमारे ही नाम पे किसी फेक चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको पैसे लेके टीम देते हैं, जो कि हम ओरिजिनली बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल चैनल पे ही जुड़ने का, लिंक से ही ज्वाइन होने का। बाकी दोस्तों एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का रहा है 156 का बैटिंग फर्स्ट करते हुए T20 मैचेस में। स्कोरिंग पैटर्न पे एक नज़र मार लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिलो 150 यहाँ पे 17 बार स्कोर बने हैं, 150 एंड 170 के अंदर 10 बार, 170 एंड 190 के बीच में 11 बार स्कोर बने हैं एंड अबव 190 सिर्फ 5 बार स्कोर बना है। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि इस मैच में क्योंकि एक फ्रेश विकेट आपको देखने को मिलेगा, लगभग 160 टू 165 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ठीक ठाक बैटिंग हुआ तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। दोस्तों कुछ रीसेंट मैचेस जो इस ग्राउंड पे खेले गए हैं इसी साल जनवरी फरवरी में BBL का, उसके एक नज़र मार लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिक्सर्स ने जब बैटिंग फर्स्ट किया 188/6 किया, स्कॉर्चर्स 161/9 ही कर पाए, टारगेट को चेज नहीं कर पाए थे। पेसर्स को क्लियर कट ज़्यादा विकेट मिला था, टोटल 13 विकेट्स मिले थे। स्पिनर्स को उस मैच में सिर्फ एक ही विकेट मिला था। सेकेंड मैच में हीट ने बैट फर्स्ट किया 181/7, जो कि चेज नहीं हुआ, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे पेसर्स को एंड स्पिनर्स को लगभग इक्वल ही विकेट मिला था। थर्ड मैच थंडर ने बैट फर्स्ट किया 232/5 किए। देखिए बैटिंग फर्स्ट करते हुए कितने ज़्यादा स्कोर बन रहे हैं और वो चेज नहीं हुआ इस बार भी। पेसर्स को 6 विकेट तो स्पिनर्स को 3 विकेट मिले थे। दोस्तों जो लास्ट मैच इस ग्राउंड पे खेला गया है हरिकेन्स एंड सिक्सर्स के बीच में, वहाँ पे भी हरिकेन्स ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी अच्छे स्कोर बनाए थे, जो कि सिक्सर्स चेज नहीं कर पाए थे, क्लोज गए थे बट चेज नहीं हुआ। पेसर्स को टोटल 13 विकेट तो स्पिनर्स को सिर्फ 2 विकेट मिले थे। ओवरऑल चारों के चारों मैच जो लास्ट इस ग्राउंड पे खेले गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम ही जीता है। पेसर्स को टोटल फर्स्ट इनिंग में 20 विकेट तो स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 3 विकेट मिले हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर्स को 17 विकेट तो स्पिनर्स को सिर्फ 9 विकेट मिले हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेसर्स को कितना ज़्यादा इस ग्राउंड पे हेल्प मिलता है। और अगर आप स्पिनर्स को इस ग्राउंड पे ले रहे हैं अपने टीम में तो कोशिश कीजिएगा जो भी स्पिनर्स सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे उनके ऊपर स्पेशल ध्यान देने का, क्योंकि इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट इनिंग। अच्छा अब कौन से टाइप के बॉलर इस ग्राउंड पे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे जितना कम एक बॉलर का एवरेज होगा उतना ज़्यादा विकेट टेकिंग उसको माना जाता है। जैसे कि ऑफ ब्रेक बॉलर का एवरेज इस ग्राउंड पे सबसे कम है तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद मीडियम फास्ट, फिर लेग ब्रेक एंड फास्ट बॉलर्स, फिर चाइनामैन बॉलर्स, इन सारे बॉलर्स के ऊपर आपको ज़्यादा अटेंशन देना है।
दोस्तों आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है ये सुन के कि इस ग्राउंड पे जो हाईएस्ट रन स्कोरर है जॉर्डन सिल्क, जिनका सिलेक्शन सिर्फ 30% है, वो एवरेज रखते हैं 40 का इस ग्राउंड पे T20 मैचेस में, ठीक है। मोजेस हेनरिक्स सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर एवरेज 23 का, जेम्स विंस थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर एवरेज 41 का इसी ग्राउंड पे, ठीक है। जॉश फिलिपे 499 रन बनाए हैं, फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर एवरेज 33 का। बाकी डैनियल ह्यूजेस का देख लेंगे, 441 रन बनाए हैं 25 के एवरेज से। लाइव में आपको दिखा देता हूँ, सीन अबाउट का सिलेक्शन है 28% का और टॉम कर्न का सिलेक्शन है 9% का। हाईएस्ट विकेट टेकर T20 मैचेस में है कौन? सीन एबॉट 27 इनिंग्स में 41 विकेट्स निकाले हैं, बेन डुवर्शियर्स 23 इनिंग्स में 31 विकेट्स, स्टीव ओकीफ 28 इनिंग्स में 24 विकेट्स निकाले हैं, बट टॉम करन का देखिए 12 इनिंग्स में 17 विकेट्स निकाल चुके हैं इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे। नेथन लायन तो नहीं है, फिलहाल एशेस में बिजी हैं। बाकी नीचे और कोई खास बॉलर इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स के बारे में, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है लास्ट ईयर का। बेस्ट परफॉर्मर इनके तरफ से लास्ट ईयर कौन कौन रहे थे? जेम्स विंस टीम के कैप्टन, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे पूरे टूर्नामेंट का और इनके तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 537 रन बनाए थे 16 मैचेस में। जॉश फिलिपे थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर पूरे टूर्नामेंट का, 508 रन 16 इनिंग्स में। जॉर्डन सिल्क 11th हाईएस्ट रन स्कोरर पूरे टूर्नामेंट का, 382 रन बनाए थे 14 इनिंग्स में। दोस्तों जॉर्डन सिल्क बहुत ज़्यादा अंडररेटेड प्लेयर हैं, ज़रूर से आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। डैनियल ह्यूजेस 16th हाईएस्ट रन स्कोरर थे पूरे टूर्नामेंट का, 331 रन इन 16 इनिंग्स। बेन डुवर्शियर्स सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है पूरे टूर्नामेंट का और इनके तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 24 विकेट्स निकाले थे 13 इनिंग्स में। कार्लोस ब्रैथवेट 14th हाईएस्ट विकेट टेकर पूरे टूर्नामेंट का, 16 विकेट्स निकाले थे 16 इनिंग्स में। स्टीव ओकीफ 17th हाईएस्ट विकेट टेकर पूरे टूर्नामेंट का, 15 विकेट निकाले थे 13 इनिंग्स में। डैनियल क्रिस्टन 15 विकेट निकाले थे 14 इनिंग्स में। दोस्तों सिडनी सिक्सर्स ने ऑफिशियली जो स्क्वाड अनाउंस किया है इस पर्टिकुलर मैच के लिए, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। सीन अबॉट, डैनियल क्रिस्टन, टॉम करन, जैक एडवर्ड्स, मिकी एडवर्ड्स, एडवर्ड ब्रदर्स एंड वहाँ पे मोइसेस हेनरिक्स, डैनियल ह्यूजेस है, क्रिस जॉर्डन आपको दिख रहे हैं, हेडन कर्ड आपको दिख रहे हैं, बेन मेनान्ती, स्टीव ओकीफ, जॉश फिलिपे, लॉयड पॉप, जॉर्डन सिल्क, जेम्स विंस टीम के कैप्टन एंड निक विंटर। दोस्तों प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर कुछ ऐसा होने वाला है मेरे हिसाब से। जॉश फिलिपी के साथ जेम्स विंस ओपनिंग करेंगे डैनियल ह्यूजेस नंबर 3 पे, मोजेस हेनरिक्स नंबर 4 पे, जॉर्डन सिल्क नंबर 5 पे, डैनियल क्रिस्टन, टॉम करन, सीन अबॉट, क्रिस जॉर्डन, इतना तक बैटिंग है इनका। स्टीबो की भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग तो कर ही सकते हैं। फिर मिकी एडवर्ड्स एंड बेन मेनान्ती में से कोई एक खेलेगा, अगर टीम को एक्स्ट्रा पेसर का जरूरत होगा तो मिकी एडवर्ड्स खेल सकते हैं या फिर बेन मेनान्ती को भी मौका दिया जा सकता है। बाकी दोस्तों पावर प्ले में इनके तरफ से मिकी एडवर्ड्स डाल सकते हैं अगर खेलेंगे तो, सीन एबॉट एंड टॉम करन तो डालेंगे ही। बाकी डेथ ओवर्स में टॉम करन, क्रिस जॉर्डन एंड सीन एबॉट डालने वाले हैं। मैं बताना चाहूँगा स्टीव ओकीफ भी कभी कभी पावर प्ले में डाल लेते हैं पहले 6 ओवर के अंदर। दोस्तों वीडियो में दिया गया अब तक का स्टैट्स एंड एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा है और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको रोजाना देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के आपको सिर्फ व्हाइट कर देना है और उसको बगल वाला जो बेल बटन आपको दिख रहा है उसको प्रेस करके आप ऑल पे कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। दोस्तों बात कर लेंगे प्रैक्टिस मैचेस के बारे में, जो कि सिडनी सिक्सर्स सिडनी थंडर के अगेंस्ट खेले हैं एंड हारे हैं दोनों के दोनों। फर्स्ट मैच बैटिंग फर्स्ट करते हुए सिडनी सिक्सर्स ने 168 फॉर 4 किए थे, जो कि थंडर ने आसानी से चेस कर लिया था। मोजेस हेनरिक्स बैटिंग फर्स्ट करते हुए 77 किए थे, टॉम करन 2 विकेट निकाले थे। यहाँ पे थंडर ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए सेकेंड मैच में 202 फॉर 5 किया, जो कि सिक्सर्स चेस नहीं कर पाए। बेन मेनान्ती 2 विकेट निकाले थे, मिकी एडवर्ड्स 1 विकेट निकाले थे, टॉम करन 24 किए थे बैट से एंड जॉर्डन सिल्क 40 रन का कंट्रीब्यूशन दिए थे। दोस्तों बात कर लेंगे मेलबॉर्न स्टार्स के बारे में, जो कि लास्ट ईयर 7th पोजीशन पे फिनिश किए थे पॉइंट्स टेबल पे। उतना कुछ खास टूर्नामेंट इनका नहीं रहा था। बेस्ट परफॉर्मर इनके तरफ से लास्ट ईयर रहे थे मार्कस टॉइनिस, जो कि पूरे टूर्नामेंट का 12th हाईएस्ट
रन स्कोर रहे थे 396 रन्स के साथ 13 इनिंग्स में बनाए थे। ग्लेन मैक्सवेल 15th हाईएस्ट रन स्कोर रहे थे पूरे टूर्नामेंट का 379 रन्स 13 इनिंग्स में बनाए थे। निक लड़किन 28th हाईएस्ट और इनके तरफ से थर्ड हाईएस्ट 276 रन्स बनाए थे 10 इनिंग में। ठीक है, ये तीन इनके बैटिंग के स्तंभ थे लास्ट ईयर। बाकी एडम जंपर 9th हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे पूरे टूर्नामेंट का, 19 विकेट निकाले थे 12 मैचेस में। लैम हैचर फिलहाल स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, बिली स्टैनलेक भी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों बात कर लेंगे स्क्वाड के बारे में, तो ग्लेन मैक्सवेल टीम के कैप्टन होने वाले हैं इस पर्टिकुलर मैच के लिए। हिल्टन कार्टराइट, जो क्लार्क, ब्रॉडी काउच, सैम एलियट है, सायद फरीउद्दीन है, क्लाइंट हिलक्रिस्ट है, निक क्लार्किन, पीटर नेविल, टॉम ओकोनेल, सैम रेनबर्ड, मार्कस स्टॉइनिस, ब्यू वेबस्टर एंड एडम जंपा, ये इनका स्क्वाड होने वाला है इस पर्टिकुलर मैच के लिए। इन्हीं में से कोई 11 प्लेयर खेलने वाले हैं। दोस्तों इनका प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होने वाला है। मार्कस स्टॉइनिस ओपनिंग करेंगे जो क्लार्क के साथ, जो कि इनके न्यू रिक्रूट है, इंग्लैंड से इनको बुलाया गया है एंड साइन किया गया है। आपको पता ही होगा अगर आपने हमारे साथ वो नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट खेला था, तो वहाँ पे हमने इनको काफ़ी अच्छा बैक किया था, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी किए थे वहाँ पे जो क्लार्क ने, हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन होते थे। बाकी निक लड़किन नंबर 3 पे खेलेंगे इनके तरफ से मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर। ग्लेन मैक्सवेल आएंगे टीम के कैप्टन। हिल्टन कार्टराइट हार्ड हिटर, ब्यू वेबस्टर हार्ड हिटर प्लस ऑलराउंडर, पीटर नेविल आएंगे इनके विकेट कीपर बैटर, क्लाइंट हिनक्लिफ्ट खेलेंगे चाइनामैन बॉलर है, सैम रेनबर्ड एंड टॉम कोनल में से कोई एक भी खेल सकता है या फिर दोनों को ही मौका दिया जा सकता है। बाकी एडम जंपा तो खेलेंगे ही एंड ब्रॉडी काउच मुझे लगता है डेब्यू कर सकते हैं। बाकी अगर ब्रॉडी काउच को नहीं खिलाया जाता तो ये दोनों मेरे हिसाब से एक साथ खेलने वाले हैं। दोस्तों इनके तरफ से पावर प्ले में डालने वाले हैं मैक्सवेल, रेनबर्ड एंड कॉनेल में से जो खेलेगा वो ज़रूर से डालेगा और यहाँ पे ब्रैडी काउच डाल सकते हैं। डेथ ओवर्स में अगेन रेनबर्ड इनका मेन डेथ बॉलर होने वाले हैं, उसके बाद काउच भी डाल सकते हैं। कार्टराइट एंड वेबस्टर में से जो भी बॉलिंग करेगा वो भी डाल सकता है या फिर स्टॉइनिस भी डाल सकता है। इनका कोई भी स्पेशल डेथ बॉलर अगर आप रेनबर्ड को निकाल देते हैं या फिर टॉम ओकोनेल को निकाल देते हैं, टॉम ओकोनेल को भी मैं ज़्यादा डेथ बॉलर नहीं बोलूँगा क्योंकि अर्ली स्विंग पे ये बिलीव रखते हैं। बाकी रेनबर्ड काफ़ी अच्छा डेथ बॉलर आप कह सकते हैं, उनके अलावा कोई आउट एंड आउट डेथ बॉलर इनके पास है नहीं मेरे हिसाब से। दोस्तों बात कर लेंगे प्रैक्टिस मैच के बारे में, जो एक प्रैक्टिस मैच स्टार्स खेल के आ रहे हैं रेनेगेड्स के साथ, वहाँ पे वो जीत के आ रहे हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए। 175/4 किए थे, जो क्लार्क 64 किए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए स्टार्स के तरफ से। यहाँ पे हिनक्लिफ एक बॉलर होने के बावजूद 34 किए थे, स्टॉइनिस 33 किए थे बॉलिंग नहीं डाले थे, सैम रेनबर्ड 3 विकेट निकाले थे 4 ओवर में। एस फरादौन जो कि और एक चाइनामैन बॉलर है, ये हिनक्लिफ भी चाइनामैन बॉलर है, फरादौन भी चाइनामैन बॉलर है, अब देखना पड़ेगा किनको खिलाया जाता है। ठीक है, हिनक्लिफ थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, बाकी जरूरत पड़ने पे 4 ओवर अपने कोटे का डाल भी सकते हैं। सैम एलियट राइट मीडियम 1 विकेट निकाले थे। बाकी रेनेगेड्स के तरफ से मैकेंजी हार्वे 51 किए थे, सदरलैंड 41 किए थे, डी एगान 38, कैमरन बॉय से 16 रन और 2 विकेट, प्रेस्टिज 1 विकेट, विल सदरलैंड 1 विकेट। ये तो इस मैच के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टार्स का ही जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों बात कर लेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में, तो लास्ट जो 5 हेड टू हेड मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में खेला गया है वहाँ पे सिक्सर्स ने ही 5 के 5 हेड टू हेड मैचेस को जीता है, स्टार्स एक भी मैच नहीं जीत पाया है। तो इस मैच में भी आप थोड़ा सा फेवर सिक्सर्स को करके टीम बना सकते हैं, चाहे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग में। अब हेड टू हेड में कौन कब बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है वो थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे जॉश फिलिपे 10/34/52 किए हैं मेलबॉर्न स्टार्स के सामने बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग सेकंड में 22/1। तो बैटिंग सेकंड में इनका उतना खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है हेड टू हेड मैचेस में, बाकी बैटिंग फर्स्ट करते हुए 150 भी मारे हैं, 130+ भी किए हैं। तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए जॉश फिलिपे लॉजिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डैनियल ह्यूजेस 14/3 बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग सेकंड करते हुए 96 नॉट आउट किए थे, जो 2020 फाइनल हुआ था इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में बिग बैश में, वहां पे ये 96 किए थे याद रखिएगा। तो यहाँ पे बैटिंग सेकंड करते हुए डैनियल ह्यूजेस का एक अच्छा पारी रहा है। जेम्स विंस 41/12 बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग सेकंड करते हुए 0/46 किए हैं। तो बैटिंग फर्स्ट में भी एक 40+ है, बैटिंग सेकंड में भी एक 40+ है, आप दोनों बार ही इनको ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है। मोजेस हेनरिक्स बैटिंग फर्स्ट करते हुए हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 72 किए हैं, बट बैटिंग सेकंड करते हुए भी एक बार 38 नॉट आउट
आउट किए हैं तो मस्ट पिक में आ जाते हैं। जॉर्डन सिल्क देखिए कितने अंडररेटेड हैं, 25 नॉट आउट, 27 नॉट आउट बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग सेकंड करते हुए एक बार 35 नॉट आउट, बंदा आउट ही नहीं हुआ है मेलबॉर्न स्टार्स के सामने। ठीक है, तो ज़रूर से आप ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। बाई चांस अगर सिडनी सिक्सर्स का टॉप ऑर्डर में कोलैप्स हुआ तो यहाँ पे जॉर्डन सिल्क काफ़ी अच्छे संभाल सकते हैं। हालांकि मेलबॉर्न स्टार्स के सामने उतने क्वालिटी बॉलर तो है नहीं, जैसे कि कुल्टरनैल अवेलेबल नहीं है, बिली स्टेलनिक अवेलेबल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता सिडनी सिक्सर्स का कोलैप्स होने वाला है, बट फिर भी नीचे आके अच्छा पावर हिटिंग सिल्क कर सकते हैं। दोस्तों टॉम करन एक बार 2 विकेट निकाले हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए, ज़्यादा इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है मेलबॉर्न स्टार्स के सामने। ठीक है, डैनियल क्रिश्चियन 14 और 49 दोनों बार ही बैटिंग सेकंड करते हुए किए हैं। सीन अबॉट बॉलिंग सेकंड करते हुए एक बार 3 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट। तो देखिए बॉलिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों बार ये परफॉर्मेंस दिखाए हैं मेलबॉर्न स्टार्स के सामने, तो ट्राई कर लीजिएगा। स्टीव ओकीफ बॉलिंग सेकंड करते हुए दोनों बार 2-2 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एक बार 2 विकेट, तो कितने बेहतरीन बॉलर हैं, कितने बेहतरीन रिकॉर्ड ये रखते हैं मेलबॉर्न स्टार्स के सामने, जरूर से आप देख सकते हैं। एंड इनका भी सिलेक्शन अंडर 25% आपको देखने को मिल जाएगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा स्टीग ओफी को। बाकी बेन डोर्शियस 2 विकेट 1 विकेट बॉलिंग सेकंड करते हुए, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 1 विकेट और 3 विकेट, ये भी लास्ट ईयर के हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस पर्टिकुलर टीम से, मतलब सिडनी सिक्सर्स से, जरूर आप ट्राई कीजिएगा। दोस्तों बात कर लेंगे ग्लेन मैक्सवेल के बारे में, जो कि बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो दोनों बार ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिए हैं। यहाँ पर 12, 16 runs और 1 विकेट, 5 run और 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट करते हुए 71 runs और 1 विकेट, 66 runs, तो क्लियरली बैटिंग फर्स्ट करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ज़्यादा अच्छा किए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉइनिस बैटिंग सेकंड करते हुए 62 किए हैं एक बार, बाकी 5-10 कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, और बैटिंग फर्स्ट करते हुए 7 और 12 run किए हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है अगर आप एक पारी को निकाल देते हैं तो। बाकी दोस्तों अगर आप हिल्टन कार्टराइट को लेंगे तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए लेने का कोशिश कीजिएगा, 21 और 38 किए हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए दोनों बार हेड टू हेड मैचेस में सिडनी सिक्सर्स के सामने। एडम जंपा 3 विकेट 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, 2 विकेट और कोई विकेट नहीं बॉलिंग सेकेंड करते हुए, तो बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकेंड हो दोनों बार ही ज़्यादा अच्छा किए हैं, मस्ट पिक में आ जाते हैं। निक लार्किन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, 38 किए हैं बैटिंग सेकेंड करते हुए, और सैम रेनबर्ड बॉलिंग सेकेंड करते हुए एक ही मैच में खेले हैं सिडनी सिक्सर्स के सामने, 1 विकेट निकाले थे। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा जॉश फिलिपे एंड जो क्लार्क, जो कि अपने अपने टीम से ओपनिंग करने वाले हैं, जरूर से आप दोनों बैटर को ही ट्राई कीजिएगा। जो क्लार्क प्रैक्टिस मैच में 64 करते हुए आ रहे हैं और लास्ट ईयर के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे इनके टीम से जॉश फिलिपे, तो जरूर से आप ट्राई कीजिएगा दोनों ही विकेट कीपर बैटर को। बाकी दोस्तों बैटिंग सेक्शन में जेम्स विंस को आपको मस्ट पिक पे रखना ही पड़ेगा, स्पेशली स्मॉल लीग में, क्योंकि कैप्टन है, लास्ट ईयर के हाईएस्ट रन स्कोरर थे इस पर्टिकुलर टीम से, ज़रूर से आप कोशिश कीजिएगा इनको ट्राई करने का। मार्कस स्टॉइनिस को आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता ये बॉलिंग डालेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मैच में भी ये बॉलिंग नहीं डाले थे। बाकी जॉर्डन सिल्क को आप लेने का कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो सिडनी सिक्सर्स का टीम, नहीं तो डैनियल ह्यूजेस जो नंबर 3 पे आएंगे उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि खुद नंबर 3 पे खेलेंगे। बाकी ब्यू वेबस्टर थोड़ा बहुत बॉलिंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच में, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये राइट आर्म मीडियम भी डाल सकते हैं एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी डाल सकते हैं, दोनों टाइप के बॉलिंग ये कर सकते हैं एक ही साथ एक ही मैच में। ठीक है, बाकी बिली स्टैनलेक एंड नैथन कुल्टरनैल अवेलेबल नहीं है, तो मेन डेथ बॉलर मेलबॉर्न स्टार्स के पास नहीं है, तो ब्यू वेबस्टर उस पर्टिकुलर बॉलर का रोल अदा कर सकते हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग के साथ। बाकी दोस्तों यहाँ पे निक लार्किन भी आपको मिल जाएंगे, जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर का रोल अदा करेंगे मेलबॉर्न स्टार्स के टीम में। बाकी जैक एडवर्ड्स मुझे नहीं लगता इस मैच में इनको मौका मिलेगा, अगर मौका मिलेगा तो ये ओपनिंग करेंगे सीधा। दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल मेरे मस्ट पिक में आ जाएंगे, डैनियल क्रिश्चियन को मैं स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए लेने का कोशिश करूंगा क्योंकि ये भी डेथ ओवर्स में डाल लेते हैं। मोजेस हेनरिक्स स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए मैं ट्राई करने का कोशिश करूंगा, ये 3 ऑलराउंडर मेरे होने वाले हैं। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में सीन अबॉट एडम जंपा ये दोनों को अब लेने का कोशिश कीजिएगा, अगर अब इन दोनों को लेते हैं ना एक साथ तो आपके पास सिर्फ 8 ही क्रेडिट बच जाएंगे, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे टॉम करन को नहीं ले सकते, क्रिस जॉर्डन को नहीं ले सकते, सैम रेनबर्ट को नहीं ले सकते, बेन डोर्शिस को नहीं ले सकते। इसीलिए दोस्तों डैनियल क्रिश्चियन को मैं फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ और उनके जगह मैं फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके
टॉम करन को लेना चाहूँगा। तो मेरे जो चार बॉलर हो जाएंगे यहाँ पे टॉम करन, बेन डोर्शियस हो जाएंगे, यहाँ पे एडम जाम्पा हो जाएंगे, सीन एबॉट हो जाएंगे। दोस्तों ये चारों में से तीन बॉलर मैंने सिक्सर्स के तरफ से इसीलिए लिया है क्योंकि जो स्टार्स का बैटिंग ऑर्डर है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है स्टॉइनिस के ऊपर एंड मैक्सवेल के ऊपर। दोस्तों फिलहाल के लिए मेरा ड्रीम इलेवन टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो ग्लेन मैक्सवेल के साथ मैं देना चाहूँगा जॉश फिलिपे को। आप वाइस कैप्टन जेम्स विंस के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉलर में आप ज़रूर से बेन डोर्शियस को स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए सी वी सी ट्राई कर सकते हैं, टॉम करन को सी वी सी ट्राई कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, एंड जाम्पा को बॉलिंग सेकेंड या फिर बॉलिंग फर्स्ट दोनों ही बार ये अच्छे किए हैं, ज़रूर से आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा पिक हो सकता है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन में मैंने ये लॉजिक लगाया है क्योंकि इनके पास कोई स्ट्राइक बॉलर नहीं है मेलबॉर्न स्टार्स के पास, तो यहाँ पे टॉप तीन जो बैटर हैं सिडनी सिक्सर्स के तरफ से वो मैंने ले लिए हैं, और इनके जो स्ट्राइक बॉलर से सीन एबॉट, बेन डोर्शियस, टॉम करन एंड थोड़ा बहुत बोलेंगे अगर मोइसेस हेनरिक्स भी कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एडम जम्पा इनका वन ऑफ द स्ट्राइक बॉलर्स रहे हैं अलॉन्ग विद ग्लेन मैक्सवेल जो बैटिंग एंड बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन देंगे, मार्कस स्टॉइनिस एंड जो क्लार्क, ऐसा कुछ मेरा कॉम्बिनेशन रहने वाला है स्पेशली अगर सिडनी सिक्सर्स बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो। दोस्तों अगर मेलबॉर्न स्टार्स बॉलिंग फर्स्ट करते हैं फिर मेरा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन जाएगा जहाँ पे सैम रेनबर्ट को मैं ले लूँगा क्योंकि डेथ ओवर्स में डालेंगे, जाम्पा तो होंगे ही, उसके साथ साथ जो क्लार्क को छोड़ के आप एक चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डैनियल क्रिश्चियन को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अगर सिडनी सिक्सर्स बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो लेट ऑर्डर हिटिंग आके वो कर सकते हैं प्लस बॉलिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्लार्क का रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, यहाँ पे मैं जॉर्डन सिल्क को लिया है डैनियल ह्यूजेस के जगह क्योंकि लेट ऑर्डर आके वो भी हिटिंग करते हैं एंड ये काफ़ी अच्छे पारी को संभाल भी सकते हैं, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है, इसलिए बैटिंग फर्स्ट करते हुए जॉर्डन सिल्क को मैं ले लूँगा। तो बैटिंग फर्स्ट अगर सिडनी सिक्सर्स करता है और मेलबॉर्न स्टार्स बॉलिंग फर्स्ट करता है फिर मेरा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, और पहला वाला कॉम्बिनेशन जो मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया वो सिडनी सिक्सर्स बॉलिंग फर्स्ट अगर करेगा तो फिर मेरा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहेगा होगा। एंड इस मैच के रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे आपके मन में सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हमारे साथ वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स से टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।